सीएए के समर्थन में बहजोई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएए की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बना है, इसीलिए भारत में होने वाले किसी भी धर्म के व्यक्ति को इससे कोई खतरा नहीं है। इस मौके पर गोष्ठी में राजेश कुमार, डॉक्टर मनीष वार्ष्णेय, कवि सौरभ कांत शर्मा सहित भारी संख्या में स्वयंसेवक और गणमान्य लोग शामिल हुए। बहजोई से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लगातार चाहे वो मुद्दे हो, हिंदू जन भावना से जुड़े कोई भी विषय हो, उनको लटकाया गया, भटकाया गया, उनको हल नहीं किया गया। चाहे कोई भी मुद्दे रहे हो, जहां पर आता था कि हिंदू वहीं पर वो हाथ पीछे सरकारें खींच लेती थी, क्योंकि उनको वोट बैंक दिखाई देता था और जो वोट बैंक था वो इकट्ठा था। अगर वो भ्रम में रहे तो बड़े भी तो जाओ, भ्रम में तो हिंदू समाज है। आज हिंदू के नाम से हिंदू समाज की दुकानें अलग अलग है, तो हमसे ज्यादा भ्रमित कौन है? उनके अंदर क्यों भ्रम नहीं है? वो क्यों लाखों लाखों की संख्या में सड़कों पर आते, उनके अंदर कोई एक आदमी क्यों नहीं बोल रहा है समर्थन में? इसका मतलब भ्रम तो वे तो इकट्ठे हैं। तो भ्रम वहां होता है जहां किसी एक चीज पर लोग बटे हो, तो वहां कोई भ्रम नहीं है।